नमस्कार, आप देख रहे हैं रिजियाना न्यूज। मैं शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिनभर की प्रमुख खबरों की तरफ। कई राज्यों में चड्डी बनियान गैंग के नाम से प्रसिद्ध कंदर समुदाय के लोगों में एक चढ़ा पुलिस के हत्थे। बता दें कि कल देर शाम पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए घेराबंदी करने बैठी थी। इसी बीच कंजर समुदाय के अपराधी दिख गए। झागर थाना प्रभारी संतोष भार्गव ने जब इन्हें रुकने को कहा, इस पर कंजर समुदाय के लोगों ने उन पर गोलियां चलाना चालू कर दी। इसी बीच पुलिस ने भी फायरिंग का जवाब फायरिंग से ही दिया। वहीं एक कंजर समुदाय के अपराधी के पैर में गोली लगने से वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसे जिला चिकित्सालय लाया गया। बाकी के तीन कंजर अपराधी फरार बताए जा रहे हैं, जिसकी सर्चिंग के लिए पुलिस टीम जगह जगह दबिश भी दे रही है। जहाँ पे कौन लेगा? यार शाम को 6-7 बजे करीब संजय शर्मा जी के साथ में 3000 रुपये की लूट हुई थी, जिसकी सर्चिंग में पुलिस पार्टियां जंगल में सर्च कर रही थी। तभी तीन बदमाश पुलिस ने रोका और भागने का प्रयास किया, तो पुलिस के ऊपर इन्हें फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस के द्वारा बचा भी फायर में एक बदमाश को गोली लगी है और इसको हॉस्पिटल लाए इलाज के लिए और कार्रवाई की जा रही है। मतलब मैं SDOP साहब थे हमारे साथ में और दूसरी पार्टी में ASI संतोष भार्गव थे और जिले का भी बल था। कुल 3000 रुपये की लूट थी। 3000 रुपये की लूट थी और दो मोबाइल भी लूटे हुए थे। ये लोग तीन लोग थे, दो भाग गए, एक पकड़ लिया गया। इसको 9:30 बजे के आसपास लेके आए। इन दिनों स्काउट गाइड के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 17 नवंबर से 25 जनवरी तक आयोजित किया जाने वाला इस शिविर में करीब 12 स्कूलों के 95 छात्र भाग लेंगे। शिविर के माध्यम से सभी बच्चों को ऐसे प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं कि अगर वे कभी गलती से जंगल में फंस गए तो वहां से बाहर कैसे निकलें। साथ ही अनेक चीजें बनाने की भी यहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सही मायनों में अगर कहा जाए तो बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए यह शिविर आयोजित किया जा रहा है। गुना जिले में समस्त हाई स्कूल हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट और प्राइवेट का 21 नवंबर 2017 से 25 नवंबर 2017 तक 5 दिवसीय द्वितीय सोपान जांच शिविर का प्रशिक्षण चल रहा है। यहाँ पे शिविर संचालक हैं सुश्री प्रभा भावी मैडम और असिस्टेंट शिविर संचालक हैं प्रताप नारायण मिश्रा जी DOC, सुनील रघुवंशी, मैं स्वयं रोवर काउंसिलर, सत्यप्रकाश शर्मा जी सचिव हैं स्काउट गाइड के और सहयोगी टीम भी है। और 5 दिवसीय शिविर का आयोजन PG गर्ल्स हॉस्टल में चल रहा है। इसमें बच्चों के लिए संपूर्ण सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है कि बच्चे सब स्कूल्स में शैक्षणिक के लिए एजुकेशन के लिए जाते हैं, यहाँ आपको खेल खेल में शिक्षा, मैपिंग, टोली, अलग अलग टोली बनाना और टीम वर्क करना, टोलियों में बांटा जाता है अलग अलग, और हाइक के लिए भाग ले जाया जाता है जहाँ चिन्ह बता दिए जाते हैं। चिन्हों की खोज करते हुए बच्चे अपने टारगेट तक पहुँचते हैं, जंगल में या किसी घाटी वाले स्थान पर ले जाया जाएगा इनको और वहाँ अलग अलग चिन्हों के पहले बताए जाएंगे किस तरह से खोज के चिन्हों को पहचानते हुए बच्चे उस रास्ते को ढूंढते हुए एक निश्चित जगह पर पहुँच जाते हैं। सभी को अलग अलग दिशाओं में भटका के छोड़ दिया जाता है, यानी ये सीखने को मिलता है बच्चों को कहीं अगर हम जंगल में फंस जाते हैं, बाहर जाते हैं आउटिंग के कैंपिंग पर, तो वहाँ से चिन्हों का सहारा लेके किस तरह से एकत्रित कहीं भी
हो सकते हैं। और सामान्य छोटी छोटी मुसीबतों से बच्चे किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, ये सब सिखाया जाता है। कोकाटे कॉलोनी स्थित साईं बाबा के मंदिर में आज दिन भर लगा भक्तों का तांता। मंदिर के पुजारी के अनुसार 22 नवंबर 2009 को इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था, साथ ही मूर्ति की स्थापना भी आज ही के दिन 2009 में की गई थी, जिसे लेकर हर वर्ष 22 नवंबर को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भंडारे का भी आयोजन होता है। इस भंडारे में हजारों की तादाद में भक्तगण भंडारे से प्रसादी ग्रहण भी करते हैं। उसके पीछे पीने के पानी की व्यवस्था और डस्टबिन या जो आगे बहुत जगह खड़े हुए आगे की ओर निकल जाए क्योंकि विकास की बात में जरूरी है। अपन जूते पहन के भी आप अंदर पंडाल में चले जावे, इसमें संकोच की आवश्यकता नहीं है। अपना कार्यक्रम जो है 2009 से निरंतर चल रहा है। 2009 में हमारे मंदिर की ये मूर्ति की स्थापना हुई थी, तो 22 नवंबर को अपना स्थापना दिवस हम मनाते हैं, जो कि निरंतर 2009 से आज 9 साल हो चुके हैं इसको पूरे, और सभी लोगों के सहयोग से चलता आ रहा है। साईं बाबा सेवा मंडल नाम से ही हमारा मंडल है, जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था है, करीब काफ़ी सालों से चल रही है, लेकिन मंदिर निर्माण जो है वो 2009 में पूरा हो गया था और अपना मूर्ति स्थापना 2009 में हुई है, जिस हिसाब से अब हम स्थापना दिवस 22 नवंबर को हर साल मनाते हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, भीड़ से अंदाजा लगा लेंगे कि नियर अबाउट 7 से 10 हज़ार के बीच में हर साल जनसंख्या रहती है, 7 हज़ार से लेके 10 हज़ार, कभी कभी 12 हज़ार भी हो जाता है, तो 7 से 12 हज़ार या 10 हज़ार तक हर साल की हमारे जो है भक्तगण आते हैं और प्रसाद का आनंद लेते हैं। योगेंद्र शर्मा ने कम्युनिस्ट पार्टी का दामन छोड़कर थामा समाजवादी पार्टी का दामन। आज प्रदेश अध्यक्ष गौरीशंकर यादव के समक्ष योगेंद्र शर्मा ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। आज से वे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे। ज्ञात रहे कि योगेंद्र शर्मा इससे पहले भारतीय किसान सभा के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष भी थे, जिसे उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पर उन्हें श्योपुर जिले का प्रभार भी सौंपा गया। इस मौके पर योगेंद्र शर्मा ने सभी पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। मतभेद समाजवादी पार्टी का शिवपुरी में संभागी सम्मेलन था और संभागी सम्मेलन से आके मैं यहाँ रुका, क्योंकि आज नेताजी का जन्मदिन था, तो मैंने सोचा गुना की धरती पर ही जन्मदिन मनाया जाए। मैं तमाम साथियों के साथ और प्रेस को बुलाकर ये मैंने 78वां उनका जन्मदिन मनाया, बधाई दी नेताजी को सब लोगों ने, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सतायु हों, हम लोगों को उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इसी बात को लेकर आज गुना में मैं रुका और अगला कार्यक्रम मेरा 24 तारीख को भोपाल में संभागी सम्मेलन में खुला से होते हुए राजगढ़ से मिलता हुआ वहाँ पहुँचूंगा। ये मेरा कार्यक्रम है। कोई एक दो पदाधिकारी नियुक्त किए मैंने, प्रदेश का महासचिव बनाया अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का खान साहब के लिए, मोहम्मद सगीर खान को, शर्मा जी को जो कमिश्नर छोड़कर आए हैं इनको अभी श्योपुर का प्रभारी बनाया है। अतिथि देव होगा समाजवादी पार्टी, अखिलेश भैया दीजिए, लो ये फैसला लिया है कि हम कोई उपचुनाव नहीं लड़ाएंगे और 2018 में समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नंबर दूसरा, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष से आज के ठीक 8 दिन पहले बड़ी लंबी चर्चा,
जिस दिन से माननीय शिवराज सिंह जी मध्यप्रदेश की कुर्सी पर बैठे हैं, वो हर साल ये कहते हैं कि हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूँ पैदा होता है, उपज का सर्टिफिकेट भी लाते हैं दिल्ली से, तो सरकारें देती भी है। लेकिन हमारा कहना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सिखा कि यार सबसे ज़्यादा उपज आपके यहाँ पैदा हो रही है, तो सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? सबसे ज्यादा उपज पैदा हो रही, किसान खुश है तो गोली क्यों चलाई जा रही है? ये मेरा कहना है। आज हमने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गौरी सिंह जी यादव के सामने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है और दादा ने मेरे प्रति जो विश्वास जगाते हुए शोपुर जिले का प्रभारी बनाया है, मैं उम्मीद करूंगा कि उस पर खरा उतरूँ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मैं वर्तमान में प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष था, किसान सभा का जिसको मैंने आज त्यागपत्र दे दिया है, राज्य स्तर में और जिला स्तर में मैंने त्यागपत्र दे के और आज से मैंने समाजवादी में काम करना शुरू करा है। उम्मीद है कि सारे साथियों का, जिले के जो नेतृत्व के साथी है, प्रदेश के साथी है, मुझे सहयोग मिलता रहेगा और समाजवादी आगे बढ़ती रहेगी। शीतला शक्ति संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। यहां पर इन कार्यकर्ताओं ने बताया कि मोहल्ले की कुछ महिलाओं ने इन पर गलत इल्जाम लगाए हैं, जिसमें महिलाओं ने कहा है कि गुंडागर्दी करते हैं और पानी भी नहीं भरने देते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। ये शीतला शक्ति संगठन के हम कार्यकर्ता हैं, जो शीतला माता मंदिर की जो महिला हैं उन्होंने हम पे गलत आरोप लगाया कि हम गुंडागर्दी करते हैं और वहाँ पे उनको पानी भरने की समस्या है, उनके पानी भरते हैं या कोई भी समस्या है उनके लिए, लेकिन उन्होंने हम पे झूठा आरोप लगाया है जिनके नाम प्रदेश में बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराधों का अंकुश लगाने के लिए पुलिस कप्तान के निर्देशानुसार जिले भर में चलाया जा रहा है छात्रा सुरक्षा सप्ताह। इस सप्ताह के अंतर्गत बालिकाओं को किस तरह से विकट परिस्थितियों में अपने आप को बचाना है और इसके बारे में जानकारी दी जा रही है, साथ ही किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना हो जाती है और कुछ संदिग्ध दिखता है उस समय उन्हें किस तरह से फोन और किसको लगाना है, इस बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई। इसी क्रम में आज मॉडर्न स्कूल में भी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां छात्राओं से उनके मन की बात जानी गई, साथ ही उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया कि विषम परिस्थितियों में उन्हें कैसे और क्या करना है। मंडी में फसलों की बिक्री अत्याधुनिक तरीकों से कराई जा सकेगी, जिसके लिए आज मंडी ने इसका एक अलग डेस्क बनाया। इस नई व्यवस्था से किसानों एवं व्यापारी दोनों को ही राष्ट्रीय स्तर के कीमतों की जानकारी मिल सकेगी। इस आशय की जानकारी आज मीडिया प्रभारी प्रबल सिंह तोमर ने सबको दी। इस अवसर पर मंडी अध्यक्ष मीराबाई, कमलेश पाराशर, पत्रकारों सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि कृषि एवं किसान विकास मंत्रालय के लघु कृषक व्यापार संघ को उक्त परियोजना का मुख्य प्रवर्तक नियुक्त किया गया था, जिसके द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में विकसित किया गया जिससे हर एक वर्ग को फायदा हो। भुने हुए दाने, अन्य दूसरी फसलों के दाने और उसकी चमक कैसी है, यूनिफॉर्मिटी कैसी है, जो साइंटिस्ट द्वारा स्थापित पैरामीटर हैं उस पर पूरा उसको नाप कर हम उसका प्रमाण पत्र जारी करते हैं। ये प्रमाण पत्र ऑनलाइन पूरे ईनेम पोर्टल से जुड़े सारे व्यापारी इसको देख सकते हैं कि हाँ इस तरह की फसल आ रखी है, ग्रेड वन का माल है, ग्रेड टू का चना है या ग्रेड थ्री का जो भी फसल है उसको वो देख सकता है, चाहे वो सूरत में बैठा हो, चाहे गुवाहाटी में बैठा हो, चाहे गंगटोक में बैठा हो, वो व्यापारी इसको देख पाएंगे, गुना में आई इस उपज को देख पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से। फिर देखने के बाद वो अपना निर्णय लेंगे कि मुझे इस पर बिड लगाना है या नहीं लगाना है, ये अपने स्वाविवेक से बिड लगाएंगे। ऐसे कई व्यापारी जो अभी व्यापारी उस फसल पर जब बोली लगाएंगे तो स्वाभाविक है एक अच्छा दाम निकल के आए।
तो फिट लगाने के बाद फिट का एक समय रहता है, समय जब समाप्त होता है मैसेज उसके मोबाइल पर जाएगा और किसान के मोबाइल पर जाएगा कि भाई आपकी फसल फला फला व्यापारी ने खरीदी है और आप व्यापारी को ये जाएगा आपने फला फला किसान की ये फसल खरीदी बधाई हुआ। इस तरह से आज राष्ट्रीय कृषि बाजार को लेकर के एक गोष्ठी रखी गई है जिसमें पत्रकार बंधुओं को, व्यापारी बंधुओं को, किसान भाइयों को यहाँ आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार में हम प्रस्तावना रखेंगे कि राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या योजना है और गुना मंडी में ये कब से चल रही है और क्या आज इसकी स्थिति है, तो उसके बारे में हम पूरी विधिवत जानकारी देंगे और हमारी प्रयोगशाला भी चालू होगी, ग्रेडिंग लैब, उस लैब के बारे में भी बताएंगे कि ग्रेडिंग लैब में हम किस तरह से ग्रेडिंग करते हैं फसलों की और इससे क्या व्यापारियों को फ़ायदा होने वाला है, क्या किसानों को फ़ायदा होने वाला है और कस्टमर को भी इससे फ़ायदा होने वाला, वो सारी जानकारी हम इसमें देंगे। बीजाना न्यूज की खबर का हुआ असर, काफी दिनों से लंबित पड़ा अधूरा अंबेडकर भवन का आखिर निर्माण कार्य शुरू हो गया। चाचोला में गोया रोड स्थित अंबेडकर भवन जो कि 42 लाख की लागत से बनाया जा रहा था पिछले 2 साल से लंबित पड़ा हुआ था। 2 वर्षों में इसका कोई भी जीर्णोद्धार नहीं हुआ, जो काम था वह भी इतना घटिया तरीके का था कि बरसातों में इसमें पानी टपकना शुरू हो गया था। इस निर्माण कार्य की गुणवत्ता के बारे में डीजीआर ने आपको पहले ही खबर दिखाई थी जिसके चलते बरसात के समय में बिल्डिंग में पानी किस तरह से टपक रहा था। यहाँ पर कई और भी काम था जो कि घटिया तरीके से किया गया था। जब इस बारे में हमने विभागीय सब इंजीनियर से बात की तो उन्होंने बताया कि बंटन नहीं किया गया था, इस वजह से काम शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन डीजीआर में खबर लगने के बाद इस काम को जल्द ही शुरू कर दिया गया। लेकिन वही एक अनोखी चीज यहाँ पर देखने को मिली, अंबेडकर भवन का कार्य पुनः प्रारंभ तो किया गया लेकिन ठेकेदार द्वारा छोटे छोटे बच्चों से ये काम करवाया जा रहा है। बाल मजदूरी पूर्णतः प्रतिबंधित होने के बाद भी किस तरह से शासकीय काम को ठेकेदारों द्वारा छोटे बच्चों से कराया जा रहा है, ये समझते परे है। जब इस बारे में हमने ठेकेदार से बात करना चाहिए तो ठेकेदार का नंबर स्विच ऑफ आया, साथ ही उसके कर्मचारियों ने बात करने से भी मना कर दिया। कैमरे के आगे कोई भी नहीं रह पाया था लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से छोटे बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो प्रदेश सरकार बाल श्रम को पूर्णतः प्रतिबंधित करना चाहती है उसी के शासन काल में एक सरकारी भवन के निर्माण में किस तरह से बाल मजदूरी की जा रही है, ये आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। देखना यह होगा कि हमारी खबर के बाद यहाँ पर किस तरह से बदलाव आते हैं। कहाँ से और किल्ले किसके किसके कहने पर आयो? चाचोड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। डीजे में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।